Hello everybody, welcome to ARHAAN Entertainment, TVF Aspirants, IMDb में फिलहाल 9.6 out of 10 की रेटिंग मिली है, जो कि अपने आप में एक अलग लेवल की है। और सिर्फ इस रेटिंग की वजह से इस शो को मैंने देखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। TVF की जो भी सीरीज़ होती है वो अपने आप में एक अलग लेवल की होती है। और आज की तारीख में अगर इंडिया में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बिना देखे आँख बंद करके आप लोग बोल सकते हो कि यार ये तो मास्टरपीस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ TVF है। और आफ्टर कोटा फैक्ट्री, दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट अल्टीमेट मास्टरपीस सीरीज ऑफ 2021, या तो फिर आने वाले कई सालों तक इस पर्टिकुलर शो को याद किया जाएगा। फिलहाल दो ही एपिसोड्स आए हैं, दोनों एपिसोड्स मैंने देखा, हर एक एपिसोड 39 मिनट से लेके 46 मिनट्स के बीच में ही है। और कहानी में आपको बताया था कि तीन दोस्तों की कहानी, जो कि एस्पिरेंट्स है यानी कि उम्मीदवार है, ये लोग UPSC CSE क्लियर करना चाहते थे ताकि IAS ऑफिसर बन सके। लेकिन इनके साथ इनकी लाइफ में क्या कुछ होता है और कौन IAS ऑफिसर बनता है, फिर उसके बाद इनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स आते हैं, यानी कि बेसिकली इनकी वो सारी जर्नी बताई जिसे देखने के बाद आप लाइफ को एक अलग नज़रे से देखोगे। और अगर आप अपनी लाइफ में आप डीमोटिवेशन फील कर रहे हो और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो फिर आपको तो ये पर्टिकुलर शो डेफिनेटली देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे इंडिया में UPSC क्लियर करना मतलब हमारे इंडिया से करप्ट पॉलिटिशियन और करप्शन को क्लियर करना है, दोनों ही बहुत ही मुश्किल है। लेकिन UPSC फिर भी बंदा मेहनत करके क्लियर कर सकता है, लेकिन हमारे इंडिया से जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। खैर बात करेंगे शो की, तो फिलहाल दो एपिसोड्स है, दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, एग्जीक्यूट किए, और हर एक कैरेक्टर के बारे में जिस तरह से अभी फ़िलहाल बताया जा रहा है उससे तो मैं आपको एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि बॉलीवुड की नेपो मूवी से कई 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 गुना बेटर है ये पर्टिकुलर शो। और बॉलीवुड की सो कॉल जो बिग एक्टर्स वाली मूवीज़ होती है उससे भी कई ज़्यादा अच्छे ये पर्टिकुलर दो एपिसोड से। दो एपिसोड साला 50-500 मूवीज़ पे भारी है यार। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी और फील्ड में हो जहाँ पर आप लोग डीमोटिवेट फील कर रहे हो या आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है लाइफ को लेकर, तो यार ये शो यार एक बार चेकआउट करो एक बार, उसके बाद आई थिंक आप एक अलग नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को भी देखोगे और आपके अंदर खुद ब खुद एक मोटिवेशन फील होगा। उसके अलावा शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो अभिलाष, SK और गुरी तीनों को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। शो की कहानी पास्ट और प्रेजेंट में चलती है, यानी कि पास्ट में जहाँ पर ये लोग UPSC क्लियर कर रहे हैं, अभिलाष, SK और गुरी, और वही प्रेजेंट में इनके साथ क्या कुछ चल रहा, कैसे इनका पास्ट इनके प्रेजेंट पे भारी है और इनके साथ ऐसे क्या हुआ जिसके बाद, अब मैं यहाँ पर रिवील तो नहीं करूँगा, वो स्पॉयलर्स के अंदर आ जाएगा, लेकिन बस आप लोग देखो, बहुत ही गजब की है यार। शो की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, अगर आप लोग कॉलेजेस पढ़ते, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तो समझ लो आप कॉलेज में पहुँच जाओगे। और फ्रेंडशिप की बात करेंगे तो यहाँ पर जो तीन दोस्त बताए इनके बीच के जो बनते बिगड़ते रिश्ते या जो जो चीज़ें इनके बीच में या इनकी जो बॉन्डिंग है वो आपको आपके दोस्त की याद दिला देगी। उसके अलावा एपिसोड्स में बोले गए डायलॉग्स अल्टीमेट भाई, जिसने भी डायलॉग्स लिखे हेड्स ऑफ करूँगा यार, बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग है। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई नो डाउट नवीन कस्तूरिया इज ए जैम भाई, जिस अंदाज से उसने अभिलाष के किरदार को निभाया है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रोल उन्हीं का है और यार बहुत ही कमेंडेबल जॉब है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पर सनी हिंदुजा का नाम लूँगा जिसने यहाँ पर संदीप का रोल प्ले किया। जब जब बंदा स्क्रीन पर आता है ना, वो जो बोलता है ना उसमें अपने आप एक एनर्जी है, मतलब सुस्त बंदा जो अपनी लाइफ में पूरी तरह से हार चुका है उसको समझ में नहीं आता कि उसकी लाइफ में करे तो करे क्या, तो वो अगर संदीप से मिले ना तो उसको संदीप राह दिखा देगा। और जिस तरह से वो बोलता है ना यार, आप तो फैन हो जाओगे कैरेक्टर के। भाई अगर आप लोगों ने इसको नहीं चेकआउट किया तो भाई ये यूट्यूब में बिल्कुल फ्री में, जाओ देखो। और 9.6 आउट ऑफ 10 की जो रेटिंग्स मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली है, दिस सीरीज इस डिजर्विंग। और कई सालों तक ऐसे कोटा फैक्ट्री लोगों को याद है, वैसे ये पर्टिकुलर शो भी अब लोगों के जहन में पूरी तरह से बैठने वाला है। तो यार बस इस वीडियो में इतने, आई होप मैंने कोशिश की अपनी तरफ से ऑनेस्ट रिव्यू करने की, और मेरा तरीका काफ़ी लोगों को बोर भी कर सकता होगा, लेकिन सॉरी अगर ऐसा लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपने अगर ये पर्टिकुलर शो देखा है तो आपको क्या लगा, आप भी अपनी फीलिंग्स शेयर करो। जिसका कमेंट्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगे तो उसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करूँगा ताकि लोगों को पता चले कि इस पर्टिकुलर शो के जो फैंस हैं वो किस लेवल के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।